Very good morning. Everything is okay na? Sound easy? चलिए जी स्टार्ट करते हैं. तो कल मैंने बेटा दो बातें बताई थी आपको लास्ट टर्म पे. पहला बात, कोई भी टाइप का कोलिजन हो, M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V2 always follow करेगा. Second equation E equals to V2 minus V1 by U1 minus U2, where E have the values in between 0 to 1. And third equation, kinetic energy initial equals to kinetic energy final in case of elastic collisions, है ना? तो सारा कोलिजन का मतलब लीनियर कोलिजन का खेल जो है ना, ये डिपेंड करता है इन तीन. नहीं अटके आगे वापस, बिकॉज अगर आप लॉस निकालना चाहते हो तो चेंज होएगा फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस होएगा इनिशियल माइनस फाइनल. बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आएगा, एंड नेगेटिव मीन्स देयर इज द लॉस. ओके ना? तो अब पहले अपन कुछ बात इस पे करेंगे, उसके बाद में अपन कुछ बात इस पे करेंगे, और उसके बाद में कोलिजंस के कुछ स्पेशल केसेस अपन डील करेंगे. ओके ना? स्टार्ट करते हैं. Two balls of masses M, same mass, moving with speeds 2u and u collides with E equals to 0.5. Calculate the loss in kinetic energy. Calculate the loss in kinetic energy. So what will be the method? पहले अपन V1 और V2 find करेंगे. ऐसा कुछ है, M mass की ball है 2U से जा रहा है, M mass का ball है U से जा रहा है, collision हुआ 2M and M, एंड ये बाद में इधर गया 2M वाला V1 से और M वाला V2 से. लेंथी क्वेश्चन है, इसका काइनेटिक एनर्जी होएगा बेटा हाफ एम इंटू 2U2, इसका काइनेटिक एनर्जी होएगा हाफ एम इंटू U2, है ना? तो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया, कैलकुलेट कर सकते हो 5, 4 एंड 1, 5 बाई 2
mu स्क्वायर, और यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो आपका आएगा हाफ इंटू टू एम इंटू वी वन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी टू स्क्वायर. आपका क्वेश्चन है वी वन वी टू निकालना है, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करना है. और वी वन वी टू के लिए बेटा वी हैव टू इक्वेशन, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा ई वाला इक्वेशन. सो दिस इज द बेसिक फ्लैट ऑफ प्लॉट ऑफ द क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. थीम समझ में आ गया कैसे करना है ना? दो इक्वेशन वही क्लासिक सॉल्व करके v1 v2 कैलकुलेट करना, v1 v2 कैलकुलेट करने के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना, एंड देन देयर आफ्टर इनिशियल माइनस फाइनल करके लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू फाइंड. चलिए स्टार्ट करते हैं. नोट आप साथ साथ करते जाना इस क्वेश्चन को. फर्स्ट बाय कंजर्वेशन ऑफ momentum, what I will have 2m, sorry, m into 2u plus m into u equals to mv1 plus mv2. m हट जाएगा सब में से तो अपने पास सीधा सीधा आ जाएगा 3u. So v1 plus v2 equals to 3u. This is first equation. And by E, what I will have E equals to V2 minus V1. Always V2 will be greater because आगे वाला बहुत ज़्यादा speed से जाएगा upon 2U minus U. So 1 by 2 will equals to V2 minus V1 by U, or you can say V2 minus V1 will equals to u by 2. This is your equation second. So you have to solve these two, first and second, to calculate v1 and v2. Simple hai, add karte dono ko, 1 plus 2 karenge, then kya hoega beta, v1 cancel ho jayega, you will have 2 v2 equals to kitna 5 u by 2, add kiya to 7 u by 2. And V2's value will be 7U by 4. This is the value of V2. किसी एक में put कर दो. Suppose करो मैं इसमें put करता हूँ first में. By putting it in first, what I will have V1 equal to 3 minus 7 by 4U. It will 12, so it is 5 by 4. U, this is the value of V1, this is the value of V1, this is the value of V2. So simply kinetic energy final will half into M into V1 square plus half M V2 square. I can common out half M and I can 2 common out U square. I will have inside 25 by 16. 25 by 16 and along with 49 by 16. So you will have half m u square 25 and it will become I think 74 by 16. This is kinetic energy final and you have calculated before kinetic energy initial half m 4u square plus u square, it will be 5 by 2 mu square. So after solving this, delta kinetic energy will be kinetic energy initial minus kinetic energy final will be your answer. Is it clear? Is it clear? 2m कैसे आया, कहां गया 2m? टू यू है बेटा, 2m नहीं है. a का वेलोसिटी 2u है ना, तो m इंटू 2u. क्लियर?
एक का वेलोसिटी 2u है, एक का वेलोसिटी u है, संगीत भाई आंसर क्लियर और नॉट? एक का वेलोसिटी 2u है, एक का वेलोसिटी u है, हां जी नोटेड। काइनेटिक एनर्जी फाइनल में 2m किया था, फाइनल में कहां किया बेटा? हाफ एम इंटू वी वन स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर। ओके ओके चलिए चलिए, अब समझ आ गया ना, टाइम नहीं खराब करके। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। Noted or not? हाँ जी हाँ जी, कोई ना, नोटेड। चलिए एक और लेंथी क्वेश्चन लेते हैं। A ball of mass 2m having a velocity 2, या फिर u बोले मैंने, वो 4 में और इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कुछ और बोल देता हूँ, से 2x collides head on with a ball आ गया, नहीं अटका। अगर 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई इस कोलिजन में, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है कि 2m है, उसका स्पीड 2x है, m वाले का स्पीड x है, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में सपोज कर लो 2m वाले का स्पीड v1 है और m वाले का स्पीड v2 है। अब ये देख क्या रहा आपको डेटा, 50% काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट है ना, तो अब आपको e निकालना, e निकालना मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 इज गिवन टू x एंड x, हमें फाइंड करना v2 एंड v1 है ना। You want two equations, तो एक equation तो simple होता ही है अपना momentum conservation वाला, दूसरा equation आपने पास नहीं है, दूसरा equation आपने पास नहीं है, तो अपन दूसरा equation लाएंगे। इस वाली line से kinetic energy का 50% loss हो गया, एक equation वहां से बन जाएगा, then V1 and V2 we have to calculate and then we can calculate the value of E, okay ना? Start करें। थीम समझ गए ना? देखो पहले क्वेश्चन माइंड में बनता है, उसके बाद में क्वेश्चन पेपर पे बनता है। ओके माइंड में अपन ने बना लिया काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन यूज करना, मोमेंटम इक्वेशन यूज करना, एंड देन अटकल आ रही आवाज नहीं तो मैं चेक कर रहा हूँ बेटा। अब
नहीं यार ये तक डोंट वरी बी हैप्पी, वो एक कॉल आ गया था फोन में पहले को ना, इसलिए अटक के आई होगी। हाँ जी भाई चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो पहला मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा 4mx प्लस mx इक्वल टू 2mv1 प्लस mv2 है ना, m हट जाएगा, 5x will equal to 2v1 plus v2, this will be our equation first. अब second equation क्या कह रहा है कि 50% of kinetic energy is lost, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ kinetic energy final equals to half of kinetic energy initial, आधी गई आधी बच गई, तो kinetic energy final equals to half of kinetic energy initial, okay? तो अब लगाएं क्या आएगा, half into 2m into v1 square plus m into v2 square, ये final kinetic energy, initial kinetic energy आधी रहेगी, तो half यहाँ से 2x, तो कितना हो गया 8mx square plus half mx square, half cancel हो जाएगा, अपने पास बचेगा क्या बेटा, m भी cancel हो जाएगा, तो finally अपने पास क्या बचेगा, we have 4, m cancel हो गया, 4v1 square plus 2v2 square, 4v1 square plus 2v2 square equals to 8 and 1, मतलब 9x square. This is our equation second. So this is equation first, this is equation second, and we have to calculate the value of v1 and v2 from equation 1 and 2. Is it clear? मेरी आवाज मिक्स हो रही है आपकी आवाज के साथ, स्पीकर की आवाज आ रही है, स्पीकर तो ऑन नहीं ऑफ है ना। अब बेटा अपने को ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है, और ये दो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका जानते हो क्या है, एक ही तरीका है, यहाँ से v2 का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे पुट करोगे तो v1 का वैल्यू x के टर्म में आ जाएगा, वो वैल्यू वापस इधर पुट करोगे देन आपके पास अगेन v2 का वैल्यू आ जाएगा x के टर्म में, फिर v1 v2 आ गए देन u2 है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेट v1 and v2 and use e equals to v2 minus v1 by u1 minus u2 है ना, then you can get the value of e. Is it clear? चल देंगे, okay, note कर ले। एक और ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं पोटेंशियल एनर्जी बाकी है ना, पोटेंशियल एनर्जी देन पावर। वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस थीम, a ball of mass
2m and speed u. Gas has speed 2u, collides with another ball of mass m and speed u. If the kinetic energy loss is maximum, find the percentage kinetic energy loss. If the kinetic energy loss is maximum, find the percentage kinetic energy loss. Kitna kinetic energy ka percentage mein loss hoga, you have to find. देखो बेटा लाइन क्या बोल रही है, the kinetic energy loss is maximum. मैंने बताया था थ्योरी में कि kinetic energy का loss maximum कब होता है, जब perfect inelastic collision हो. और perfect inelastic collision का means क्या होता है कि जब दो बॉल मिलके एक बॉल बना रहे, तो 2m, 2u, m, u, और after collision ये 3m का एक बॉल बन गया और इसका स्पीड हो गया v, है ना. तो सिंपली e equals to 0 है यहाँ पे, तो एक ही इक्वेशन से अपना काम चल जाएगा, एक अननोन है ना, तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा. बना ले, ओनली मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या बोलेगा, ये बोलेगा 4mu plus mu equals to 3mv, you will have velocity equals to 5/3u. This is your final velocity. अब ये बोलता है find the percentage kinetic energy loss. तो percentage kinetic energy loss क्या होगा बेटा, loss in kinetic energy upon the initial kinetic energy. ओके ना, तो पहले मैं निकालता हूँ loss in kinetic energy, delta ke equals to ke initial minus ke final. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा कितना, हाफ इनटू 2m इनटू 4u स्क्वायर प्लस इसका हाफ m u स्क्वायर माइनस फाइनल वाले का. फाइनल वाले का देखो होगा हाफ इनटू 3m इनटू ये तुम्हारा 25/9u स्क्वायर. ओके, सो इट विल बी बच्चे कितना, 4mu square and half, 4 and half बोले तो 9/2mu square minus 75/18mu square. Simply you can calculate it using 18 as the LCM. 981 minus 75mu square and this is 6/18. 6/18 बोले तो 1/3. So this is your kinetic energy initial, this is your kinetic energy final. So 9/2mu square, देखो कितना, 2 से 2 cancel हो गया, 9 by 2mu square, 18 minus 75, 6/1/3, and now you have to find percentage loss. So percentage loss कितना होएगा, loss by initial into 100, तो loss तो हो गया कितना, 1/3mu square. इनिशियल कितना ये रहा, अब ये कितना है, तो देखो 8 9/2, दिस इज कैलकुलेटेड 9/2mu square मल्टीप्लाइड बाय 100, mu square mu square कैंसिल, यू विल हैव बेटा 2/27 आई थिंक, सो इट इज 200 बाय
27, अभी देखो 200 बाय 25 होता तो 8 टाइम्स जाता पूरा पूरा, तो ये 27 है, तो आपका ऑप्शन में 7.6 7.8 जो भी हो नियरली उतना परसेंटेज लॉस हो जाएगा। उतना परसेंटेज लॉस हो जाएगा क्लियर। चलो ना, तो ऐसे सारे इक्वेशंस सिंपल है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस में ई वाला तीनों इक्वेशन का यूज कैसे करें, आज का अपना टारगेट ये निकल रहा है सारा सब कुछ। क्लियर? Noted. करिए। अब एक जर्नल था डिस्कशन कर लेते हैं कि जब दो बॉल कोलाइड करेगी तो मतलब हेड ऑन कोलिजन करेगी, इलास्टिक कोलिजन करेगी, तो वेरियस कंडीशंस में अलग अलग चीजें जो मतलब बहुत सिंपल इस टाइप की चीजें होती हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्पेसिलिटीज ऑफ हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक वाली हेड ऑन कोलिजन की कुछ खास बातें वी हैव टू डिस्कस। ओके, तो बेटा मान लो ये M1 वाली बॉल है, ये जा रहा है U1 से, M2 वाला बॉल जा रहा है U2 से, और आफ्टर स्ट्राइक M1 वाला बॉल गया V1 से, M2 वाला बॉल गया V2 से, और करना हमने को क्या है ना, ये मानते हुए कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। ओके, तो पहले अपन वो निकाल लेते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट मोमेंटम कंजर्वेशन वाला M1 V U1 प्लस M2 U2 प्लस इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। एंड इक्वेशन सेकंड, इलास्टिक कोलिजन है तो E इक्वल टू 1 होएगा, V1 माइनस V2 बाय U2 माइनस U1, और उल्टा लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, बट फिर मैं सीधा लिख देता हूँ U1 माइनस U2, तो योर सेकेंड इक्वेशन विल बी U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब सिंपली आपने इन दोनों को सॉल्व करके V1 एंड V2 कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो इसको मैं देखो V1 हटाना है तो M1 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ऐड कर दूं, और V2 हटाना है तो M2 से मल्टीप्लाई करके लेस कर दूं, तो पहला मैं निकाल रहा हूं बेटा फॉर V1, और मुझे उसके लिए करना क्या पड़ेगा, V1 के मतलब V2 हटाना है तो M2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक में से उसको लेस करना पड़ेगा, सो 1 माइनस M2 इंटू 2 ये मुझे करना, वन लिख देता हूँ, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 एंड अपॉन अपॉन देखो M2 से, तो M2 U1 माइनस M2 U2 इक्वल टू M2 V2 प्लस का और माइनस का M2 V1 है ना, लेस करना है, लेस करना है तो साइन चेंज होएगा, माइनस प्लस प्लस एंड माइनस, सो दिस विल कैंसिल, और बेटा अपने पास क्या आ जाएगा, देखो द वैल्यू ऑफ V1, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आएगा। यहां से मैं बोलूं कि V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 और अपॉन M1 प्लस M2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1। ओके, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V2 है ना, सिंपल क्या होएगा, इतना सा होएगा कि
m1 किस जगह पे m2 आ जाएगा और m2 किस जगह पे m1 आ जाएगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री. तो v2 हो जाएगा बेटा तुम्हारा क्या, m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 बाय m2 प्लस m1 इंटू u1. दिस इज, दीज आर द फाइनल वेलोसिटीज फर्स्ट एंड सेकंड. अगर आपका रटने का पावर अच्छा है तो यू कैन यूज, बट रटना है नहीं बिकॉज दो इक्वेशन बनते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता है. एज यू आर सॉल्व द इक्वेशन यू विल गॉट योर रिजल्ट, है ना. बट फिर भी ये चीजें जरूरी होती है. अब वो चीजें जरूरी क्यों होती है ये देखो, स्पेशल केसेस लेते हैं अपन इसके. पहला स्पेशल केस, केस फर्स्ट, कि अगर दोनों बॉलों के मासेज सेम हो, सेम मासेज. अब अगर बेटा सेम मासेज है तो यहां पे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा. तो सिंपली क्या आएगा आपके पास, v1 इक्वल टू u2 एंड v2 इक्वल टू u1. इसका मीन समझ गए क्या, सेम मास बॉल्स एक्सटेंडेड देयर वेलोसिटी after an elastic head-on collision. मतलब जो बॉल पहली बॉल का वेलोसिटी था वो दूसरी का हो जाएगा और जो दूसरी बॉल का वेलोसिटी था वो किसका हो जाएगा, पहली का हो जाएगा. इज इट क्लियर? हाँ ना बोलो. Is it clear, बेटा? Clear. Noted also. Note भी कर लिया क्या? हाँ, ठीक है. Noted or not? बिल्कुल जी, बिल्कुल. Okay. अब सेकंड केस देखो, क्या होगा, m1 बहुत छोटा हो जाए m2 से. तो m1 बहुत छोटा हो जाए m2 से का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रक जा रहा है ना, उसके पीछे से आपने एक बॉल मारा ऐसे, अब वो बॉल जाके ट्रक से स्ट्राइक करके वापस आएगा, है ना. तो m2 बहुत बड़ा है, m1 बहुत छोटा है, उस कंडीशन में क्या होएगा, मैथमेटिकली अपने को दिखाना है. m1 बहुत बड़ा हो गया, m1 बहुत छोटा हो गया m2 से, है ना. देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि v1 इज m1 बाय m2 माइनस 1 बाय m1 बाय m2 प्लस 1 इंटू u1, है ना, and plus 2 u2 and m1 by m2 plus 1 लिख सकते हैं ना. m2 से मैंने डिवाइड कर दिया. अब ये कंडीशन ये बोलती है कि भैया m1 by m2 है ना वो नियरली जीरो हो गया. अब अगर ये नियरली जीरो हो गया तो देखो v1 का वैल्यू तो हो गया माइनस का u1. यहां पे माइनस का u1 और ये जीरो हो गया तो प्लस का 2u2, माइनस का v1 प्लस का 2u2. दिस इज द वैल्यू ऑफ v1. सेम काम अपन v2 के साथ करें. v2 वाले में मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस m1 बाय m2 अपॉन 1 प्लस m1 बाय m2 इंटू v2 प्लस, अब वो ऊपर m1 है तो इसको मैं लिखूंगा क्या, m2 से डिवाइड करना, 2m1 by m2 by 1 plus m1 by m2 into u1, है ना. अब देखो ये वाला टर्म जीरो हो गया नियरली, तो आगे वाला खत्म हो गया.
ये जीरो ये जीरो, तो v2 नियरली इक्वल टू u2। कंडीशन वही आ रही है, अगर आप एक ट्रक के पीछे से बॉल को मारोगे तो ट्रक की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v2 नियरली इक्वल टू u2, बट बॉल का स्पीड चेंज हो जाएगा माइनस u1 प्लस 2u2 माइनस u1 प्लस 2u2। इज इट क्लियर? समझ गए क्या कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? समझ गए? नोटेड नोट भी कर लिया क्या? हाँ क्लियर, अच्छी तरह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब बेटा उल्टा हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए कि ट्रक ने आके बॉल को बछेड़ मार दिया, बछेड़ी को बोल देंगे सचिन। ट्रक आएगा तो बॉल तो ट्रक के बछेड़ मार नहीं सकता ना, ट्रक आएगा और मैं हूं ही मारवाड़ी, तो उसमें क्या बात है, मैं हूं ही मारवाड़ी, वो तो पक्का ही है ना। V1 equals to U1, V1 equals to U1 मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट बॉल विल रिटर्न स्पीड, पहला वाला बॉल अपना जितना स्पीड आपको रिटर्न करेगा। अब दूसरे वाले के साथ क्या होगा वो भी देख लो, v2, v2 के साथ ये होएगा बेटा कि इसको भी अपने को m2 by m1 के फॉर्मेट में लाना, तो m2 by m1 minus 1, m2 by m1 plus 1 into u1 plus m2 by m1 के फॉर्मेट में लाना है 2u1 by m2 by m1 plus 1 2u, ये u2 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा देखो माइनस u2 प्लस 2u1, मतलब सेकंड वाले बॉल के स्पीड में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ गए क्या? क्लियर? ग्रेट बेटा, नोट करो। एक्सीडेंट में कुछ काम नहीं आएगा बेटा, होने के बाद में क्या है, दो मिनट वेट करना, मैं इनके लिए कर लू। Thank you.
इन्वेस्टिगेशन करने में काम आएगा. करेक्ट बोले. चलिए तो ये सारी कहानी होने के बाद में अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा. ये सपोज करो बेटा ग्राउंड है, एच हाइट से मैंने एक बॉल को नीचे डाला, बॉल यहां पे स्ट्राइक करेगा. सपोज करो कांस्टेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है. अब कांस्टेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, इसका मींस क्या हुआ कि वो कुछ एनर्जी लॉस होएगा, और कुछ एनर्जी लॉस होएगा तो वो फिर पूरा ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो कुछ कम हाइट ऊपर उठेगा से H1, है ना. फिर वो नीचे गिरेगा, फिर स्ट्राइक करेगा, फिर वो पूरा ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो फिर उठेगा H2. ऐसे ही nth हाइट में सपोज करो वो उठेगा HN. पहली हाइट के बाद उसके ऊपर जाने का वेलोसिटी U1 हुआ, दूसरी हाइट के पास U2 हुआ, nth हाइट के बाद हुआ U1. और आपने दो चीजें निकालनी है कि HN कितना होगा एंड UN कितना होगा. ओके, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं. अ बॉल ऑफ मास एम इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट एच टू ग्राउंड इफ द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई. कैलकुलेट हाइट अटेंड आफ्टर एनथ स्ट्राइक. क्वेश्चन समझ आया क्या करना है? क्वेश्चन समझ में आ गया? व्हाट वी हैव टू डू, बॉल को गिराया उठाया ना. मेरे पास अभी एक बॉल नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें. बॉल जब स्ट्राइक करेगा जमीन से ऊपर उठेगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर लास्ट में वो रुक जाएगा. तो क्वेश्चन ये है कि एनएफ स्ट्राइक के लिए एचएन का वैल्यू कितना होएगा और एनएफ स्ट्राइक के लिए यूएन का वैल्यू कितना होएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. पहली के लिए कैलकुलेट करेंगे और बाकी सब के लिए उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे. देखो, फॉर फर्स्ट स्ट्राइक, मेरे पास फर्स्ट स्ट्राइक के बाद में से पहले के डेटा क्या है. यहां पे इसका वेलोसिटी जीरो है. जब ये स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम पे इसका वेलोसिटी यू डैश है, और जब ये उठ रहा है उस टाइम पर इसका वेलोसिटी से यू वन है, और एच वन हाइट पे जाके इसका वेलोसिटी जीरो हो गया है ना. तो चलिए, क्या फॉर फर्स्ट स्ट्राइक बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल
बॉल वालों को मैं u से डिनोट करूं तो u1 इक्वल्स टू प्लस u, नीचे वाले को प्लस मान लो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड u2 इक्वल्स टू 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल से से v1 बोल देते हैं अपन इसको, v1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड पहले भी 0 था, v2 इक्वल्स टू 0 है ना। अब आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो आई v1 माइनस v2 e गिवन है, u2 माइनस u1 तो इट इज सॉरी v1 माइनस v2 बाय u2 माइनस u1 है ना, तो क्या हो जाएगा v1 ही है एंड u2 जीरो है और माइनस u, तो v इक्वल टू माइनस eu। अब माइनस क्यों आया, बिकॉज ये नीचे है और ये ऊपर है, तो मैं इवेंचुअली ऐसा बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड के परमिट में v1 इक्वल टू eu आ गया। अब v2 करोगे तो e स्क्वायर आ जाएगा, v3 करोगे तो e क्यूब आ जाएगा, v4 करोगे तो e3 आ जाएगा, तो मैं यहां से सीधा बोल सकता हूं ना, हेंस इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर nth स्ट्राइक, पहले के बाद में एक पावर, दूसरे के बाद में दो पावर, तो nवे के बाद में e पावर n into u। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या vn इक्वल टू e पावर n into u, आंसर है हाँ, कोई ना, वो तुम्हारा सही है, v2 माइनस u1 बाई u1, हाँ वही तो किया मैंने क्या कर दिया। अरे तो ये और उसमें फर्क क्या भाई, इसमें और तेरे वाले में फर्क है क्या कोई? अगर v2 इधर आएगा तो u2 उधर चला जाएगा, सिंपल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्लियर। हाँ जी, तो ये आया। अब अपने को निकालना है कि hn का वैल्यू कितना होगा। अब hn कैसे कैलकुलेट करें ये देखने वाली बात है, तो hn कैसे कैलकुलेट करें बेटा देखो, यहां पे जब ये ऊपर जा रहा था उस टाइम पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी था और वो काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी एन स्क्वायर। ऊपर जा रहा है hn ऊपर जाने के बाद ये रुक गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल इसका हो गया जीरो। और इस सारे प्रोसेस में वर्क किया किसने, mg ने, और वो भी किस डायरेक्शन में, क्या अपोजिट डायरेक्शन में, hn है ना। तो देखो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूँ ना कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी है ना। तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, हाफ फाइनल जीरो है, जीरो माइनस हाफ एम वी एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी एच एन है ना। तो एम से एम कैंसिल हो गया एंड द वैल्यू माइनस से माइनस प्लस हो गया, एच एन का वैल्यू आ गया बेटा कितना, वी एन स्क्वायर बाय टू जी, वी एन स्क्वायर बाय टू जी, एंड वी एन का वैल्यू ये रहा, इट इज ई पावर टू एन, ई पावर टू एन
यू स्क्वायर बाय टू जी, है ना। अब बहुत पहली क्लासेस में आपको मैंने बताया था कि u square by 2z is nothing but it is h, है ना। So beta the value of h n will become e power 2n into h. तो h n का वैल्यू तो आएगा e power 2n into h और b n का वैल्यू आएगा e power n into u. Is it clear? ओके जी, समझ गए। तो थैंक यू फॉर टुडे, धन्यवाद। कल की क्लास में अपन बात करेंगे बेटा व्हाट बेसिकली इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द नेट एनर्जी कंजर्वेशन, और कल भगवान ने चाहा इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर भी पूरा कर देंगे। थैंक यू।